मेरे प्यारे साथियों नमस्कार। एक बार फिर आप सभी का टोटल एग्जाम के प्लस एप्लीकेशन पर हार्दिक रूप से स्वागत करते हैं। आज फिर आप सभी के लिए एक बेहतरीन वीडियो लेकर आए हैं और पिछले वीडियो की तरह ही, पिछले क्लास की तरह ही आप लोग बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लेंगे और इस क्लास के दौरान आपको आंसर भी देना है। और इस वीडियो को तो लाइक कीजिएगा ही कीजिएगा, साथ में आप शेयर भी कर दीजिएगा। आज हम लोग पढ़ने वाले क्या, आज हम लोग जो पढ़ेंगे सीआरपीसी यानी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, ठीक है। और जैसे आईपीसी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, उसी तरह से सीआरपीसी भी हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। सिर्फ ये SCGD CRPF में ही नहीं बल्कि बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो उन सभी के लिए वरदान साबित होने वाला है जिनके सिलेबस में सीआरपीसी आईपीसी वगैरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो हम लोग शुरुआत करेंगे और क्विज टाइप में हम लोग करेंगे। सीआरपीसी से रिलेटेड जितने भी टॉप लेवल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे सारे को हम इस वीडियो में शामिल किए हैं और आप लोग जवाब भी देते जाइएगा, ठीक है। अगर 5 का आंसर बी हो रहा है तो आपको 5 बी लिखना है, 10 का आंसर सी हो रहा है तो 10 सी लिखना है, इस तरह से आपको जवाब देना है और इस वीडियो को शेयर भी कर देना अपने साथियों के साथ, ठीक है। पहले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। पहला प्रश्न है, सीआरपीसी के किस धारा में वरीय पुलिस पदाधिकारियों की शक्तियों का वर्णन किया गया है। ऑप्शन ए धारा 36, बी 40, सी 42 और डी 44। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए धारा 36। अगला प्रश्न है, सीआरपीसी के किस धारा के तहत जनता द्वारा अपराधी को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस और मजिस्ट्रेट को सहायता देती है। ऑप्शन ए धारा 36, बी धारा 42, सी 37 और डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी धारा 37। अगला प्रश्न है, सीआरपीसी के किस धारा के तहत पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। किस धारा के तहत पुलिस बिना वारंट के किसी को भी गिरफ्तार कर सकती है। ऑप्शन ए 37, बी 41, सी 44 और डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी धारा 41। अगला प्रश्न है, सीआरपीसी के किस धारा के तहत प्राइवेट व्यक्ति यानी आम आदमी द्वारा किसी अपराधी को गिरफ्तारी किया जा सकता है। ऑप्शन ए 37, बी 44, सी 42 और डी 43। जल्दी बताएं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी धारा 43। अगला प्रश्न है, सीआरपीसी के किस धारा के तहत मजिस्ट्रेट द्वारा किसी अपराधी को गिरफ्तार किया जा सकता है। ऑप्शन ए धारा 44, बी 52, सी 37 और डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए धारा 44। अगला प्रश्न है, सीआरपीसी के किस धारा के अंतर्गत किसी अपराधी को गिरफ्तारी कैसे की जाएगी, इसका उल्लेख है। ऑप्शन ए 46, बी 44, सी 42 और डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए धारा 46। अगला प्रश्न है, सीआरपीसी के किस धारा के तहत गिरफ्तार व्यक्ति की तलाशी की जाएगी। ऑप्शन ए 42, बी 44, सी 51, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी धारा 51। अगला प्रश्न है, सीआरपीसी के किस धारा में किसी गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे से अधिक नहीं रोकने का उल्लेख है। यानी अगर किसी को गिरफ्तार करते हैं तो 24 घंटे से ज्यादा नहीं रख सकते हैं, इसका उल्लेख
सीआरपीसी के किस धारा में है? ऑप्शन ए धारा 51, बी धारा 52, सी धारा 57 और डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी धारा 57, धारा 57। अगला प्रश्न है, सीआरपीसी के किस धारा के तहत गिरफ्तार व्यक्ति के निकल भागने पर पीछा करना और पुनः गिरफ्तार करना किया जा सकता है? यानी फिर से हम दोबारा अगर भाग जाता है तो दोबारा हम किस धारा के तहत उसे गिरफ्तार कर सकते हैं? ऑप्शन ए 52, बी 58, सी 59 और डी इनमें डी 60। पुनः गिरफ्तार, यानी पुनः गिरफ्तारी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी धारा 60, धारा 60। अगला प्रश्न है, सीआरपीसी के किस धारा में वारंट का तामिल का उल्लेख है? सीआरपीसी के किस धारा में वारंट का तामिल का उल्लेख है? ऑप्शन ए धारा 70, बी 72, सी 74 और डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी धारा 74, धारा 74। अगला प्रश्न है, सीआरपीसी के किस धारा में फरारी के विरुद्ध उद्घोषणा का वर्णन है? सीआरपीसी के किस धारा में फरारी के विरुद्ध उद्घोषणा का वर्णन है? ऑप्शन ए धारा 80, बी 84, सी 82, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी धारा 82, धारा 82। अगला प्रश्न है, फरार अभियुक्त की संपत्ति की कुर्की किस सीआरपीसी के धारा में वर्णित है? ऑप्शन ए धारा 84, बी 83, सी 82, डी इनमें से कोई नहीं। कुर्की, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी धारा 83, धारा 83। अगला प्रश्न है, बंद स्थान की तलाशी किस सीआरपीसी के धारा में वर्णित है? बंद स्थान की तलाशी किस सीआरपीसी के धारा में वर्णित है? ऑप्शन ए धारा 100, बी 102, सी 104 और डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी धारा 100। अगला प्रश्न है, सीआरपीसी के किस धारा में चोरी की संपत्ति को जब्त करने का वर्णन है? ऑप्शन ए धारा 100, बी 102, सी 104, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी धारा 102, 102। अगला प्रश्न है, सीआरपीसी के किस धारा में नाजायज मजमा को सिविल बल द्वारा तीतर बीतर करने का अधिकार है? ऑप्शन ए 102, बी 104, सी 129, डी इनमें से कोई नहीं। यानी नाजायज मजमा को तीतर बीतर करना। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी धारा 129, धारा 129। अगला प्रश्न है, सीआरपीसी के किस धारा में सशस्त्र बल की सहायता से मजमा को तीतर बीतर करने का अधिकार है? ऑप्शन ए 128, बी 130, सी 132, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी धारा 130, धारा 130। अगला प्रश्न है, सीआरपीसी के किस धारा में निरोधात्मक गिरफ्तारी का वर्णन है? निरोधात्मक गिरफ्तारी का वर्णन है। ऑप्शन ए धारा 151, बी 152, सी 154 और डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए धारा 151, 151। अगला प्रश्न है, सीआरपीसी के किस धारा में प्रथम इतिला रिपोर्ट का वर्णन है? प्रथम इतिला रिपोर्ट का वर्णन है। ऑप्शन ए धारा 154, बी धारा 152, सी धारा 156, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए धारा 154, 154। अगला प्रश्न है, सीआरपीसी के किस धारा में न्यूसेंस या तनावपूर्ण स्थिति में आदेश जारी करने का प्रावधान है? ऑप्शन ए 144, बी 146,
सी 148, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, धारा 144। हत्या, डकैती, लूट, चोरी किस प्रकार के अपराध हैं? संज्ञेय, असंज्ञेय, जमानतीय और ऑप्शन बी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, संज्ञेय। अगला प्रश्न है, संज्ञेय अपराध में पुलिस गिरफ्तार कर सकती है? ऑप्शन ए बिना वारंट के, बी वारंट के साथ, सी मजिस्ट्रेट से आदेश लेकर, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, बिना वारंट के, बिना वारंट के। अगला प्रश्न है, मामूली किस्म के अपराध, गाली देना, धमकी देना किस प्रकार के अपराध हैं? ऑप्शन ए संज्ञेय, बी असंज्ञेय, सी जमानती है, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी असंज्ञेय। अगला प्रश्न है, खतरनाक अपराध का एफआईआर कहां दर्ज होता है? ऑप्शन ए थाना में, बी एसडीओ, सी पंचायत में, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए थाना में, खतरनाक अपराध। अगला प्रश्न है, लूट, हत्या, लूट, बलात्कार किस तरह का अपराध है? ऑप्शन ए और जमानती अपराध, बी जमानती अपराध, सी साधारण अपराध, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए और जमानतीय अपराध। अगला प्रश्न है, जिला के सबसे बड़े कार्यपालक दंडाधिकारी को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए जिला दंडाधिकारी, बी अनुमंडल दंडाधिकारी, सी प्रखंड दंडाधिकारी, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए जिला दंडाधिकारी। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के सबसे बड़े न्यायाधीश को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए मुख्य न्यायाधीश, बी सत्र न्यायाधीश, सी न्यायिक दंडाधिकारी, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए मुख्य न्यायाधीश। अगला प्रश्न है, जिले का सबसे बड़ा पदाधिकारी कौन होता है? जिला का सबसे बड़ा पदाधिकारी कौन होता है? ऑप्शन ए जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बी मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, सी मुखिया, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जिला एवं सत्र न्यायाधीश। अगला प्रश्न है, पुलिस बिना वारंट किस धारा के तहत गिरफ्तार कर सकती है? पुलिस बिना वारंट किस धारा के तहत गिरफ्तार कर सकती है? ऑप्शन ए 41, बी 50, सी 60, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 41, सीआरपीसी 41 के तहत पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। अगला प्रश्न है, जेल से फरार अपराधी को आम नागरिक गिरफ्तार कर सकता है? जेल से फरार अपराधी को आम नागरिक गिरफ्तार कर सकता है? ऑप्शन ए गिरफ्तार कर सकता है, बी गिरफ्तार नहीं कर सकता है, सी कुछ नहीं कर सकता है, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए गिरफ्तार कर सकता है, गिरफ्तार कर सकता है। अगला प्रश्न है, अपराधी के गिरफ्तारी के समय बल का प्रयोग किया जा सकता है? ऑप्शन ए धारा 46, बी पुलिस बल का प्रयोग नहीं कर सकती है, सी पुलिस जनता का आदेश का इंतजार करेगी, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए धारा 46, सीआरपीसी के अनुसार उचित बल का प्रयोग कर सकती है। अगला प्रश्न है, महिला की तलाशी किसके द्वारा ली जाएगी? ऑप्शन ए महिला के द्वारा, बी पुलिस आरक्षी के द्वारा, सी हवलदार के द्वारा और डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए महिला के द्वारा, ऑप्शन ए महिला के द्वारा, महिला जो अपराधी है उसकी तलाशी ली जाएगी। अगला प्रश्न है, गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी के कारण के संबंध में पूछने पर जानकारी देना है अथवा नहीं? ऑप्शन ए जानकारी देना है, बी जानकारी नहीं देना है, सी बिना बताए गिरफ्तार कर ले जाना है और डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए जानकारी देना, यानी कोई किसी को अगर पुलिस गिरफ्तार करती है तो उस अपराधी के पूछे जाने पे कि हमें क्यों गिरफ्तार किया गया है, किस कारण से गिरफ्तार किया गया है, पुलिस को उसे उस अपराधी को बताना होगा। अगला प्रश्न, तलाशी लेने वाले स्थान पर बिना मकान मालिक की आज्ञा के प्रवेश करना चाहिए या नहीं? ऑप्शन ए मकान मालिक की आज्ञा लेनी चाहिए,
बी मकान मालिक की आज्ञा नहीं लेनी चाहिए, सी अचानक घर में प्रवेश कर तलाशी लेना, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मकान मालिक की आज्ञा लेनी चाहिए। अगला प्रश्न है, गिरफ्तार व्यक्ति की तलाशी कौन लेगा? ऑप्शन ए, गिरफ्तार करने वाला पदाधिकारी, बी कोई भी पदाधिकारी, सी किसी पब्लिक द्वारा, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, गिरफ्तार करने वाला पदाधिकारी, गिरफ्तार करने वाला पदाधिकारी। अगला प्रश्न है, महिला बंदी को किस स्थान पर रखा जाएगा? ऑप्शन ए महिला हाजत, बी पुरुष हाजत, सी थाना बैरक, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए महिला हाजत, महिला बंदी को कहाँ रखा जाएगा? महिला हाजत में। अगला प्रश्न है, गिरफ्तार व्यक्ति को कितने घंटों तक पुलिस अभिरक्षा में रखा जा सकता है? गिरफ्तार व्यक्ति को कितने घंटों तक पुलिस अपनी कस्टडी में रख सकता है? ऑप्शन ए 20 घंटा, बी 48 घंटा, सी 36 घंटा और डी 24 घंटा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 24 घंटा। अगला प्रश्न है, विधिपूर्ण अभिरक्षा से भागे हुए अपराधी को पूरे भारत में पीछा कर पकड़ा जा सकता है किस धारा के तहत? विधिपूर्ण अभिरक्षा से भागे हुए अपराधी को पूरे भारत में पीछा कर पकड़ा जा सकता है सीआरपीसी के किस धारा के तहत? ऑप्शन ए 60, बी 90, सी 81, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए धारा 60, यानी सीआरपीसी के धारा 60 के तहत। अगला प्रश्न है, गिरफ्तार किया जाने वाला व्यक्ति किसी बंद स्थान में घुस गया है तो? ऑप्शन ए पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकती, बी उसके बाहर निकलने का इंतजार करेगी, सी घर के अंदर प्रवेश कर उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाएगा, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, किसी के घर में अगर कोई अपराधी अंदर चला जाता है, छुप जाता है, तो घर के अंदर प्रवेश कर उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, गिरफ्तारी हेतु अभियुक्त का पीछा किया जाएगा? ऑप्शन ए जिले के अंदर तक, बी थाना क्षेत्र तक, सी राज्य के किसी स्थान तक, डी भारत के किसी स्थान तक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी भारत के किसी स्थान तक पीछा किया जाएगा, पकड़ा जाएगा। अगला प्रश्न है, नाजायज मजमा को तीतर बीतर करने के लिए सशस्त्र बल का प्रयोग कौन करेगा? ऑप्शन ए नेता, बी कार्यपालक मजिस्ट्रेट, सी मुखिया, डी सरकारी कर्मचारी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी कार्यपालक मजिस्ट्रेट, नाजायज मजमा को तीतर बीतर करने के लिए। अगला प्रश्न है, कर्फ्यू आदेश किस धारा के तहत दिया जाता है? कर्फ्यू जो कर्फ्यू लगाया जाता है किस धारा के तहत? ऑप्शन ए 44, 144, बी 129, सी 145 और डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए धारा 144, यानी 144 के तहत कर्फ्यू लगाया जाता है। अगला प्रश्न है, और जमानती अपराधों के अभियुक्त को ऑप्शन ए पुलिस जमानत पर छोड़ सकती है, बी कोर्ट से जमानत पर छोड़ा जाता है, सी कोर्ट से जमानत नहीं मिल सकता है, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी कोर्ट से जमानत पर छोड़ा जाता है। अगला प्रश्न है, सेशन कोर्ट से जमानत रद्द होने पर अभियुक्त ऑप्शन ए उच्च न्यायालय में जमानत की अर्जी देता है, बी सीजेएम के यहाँ जमानत की अर्जी देता है, सी जिला मजिस्ट्रेट के यहाँ जमानत की अर्जी देता है, डी एसडीएम के यहाँ जमानत की अर्जी देता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए उच्च न्यायालय में जमानत की अर्जी देता है, सेशन कोर्ट से अगर जमानत रद्द हो जाता है तो ये था एक छोटा सा वीडियो क्लास और बहुत ही महत्वपूर्ण। इसमें हम लोगों ने बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन को कराया और उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। कमेंट जरूर करें, ठीक है, और इस वीडियो को लाइक तो कीजिएगा ही कीजिएगा, साथ में इस वीडियो को आपको शेयर भी करना है। तो इन्हीं शब्दों के साथ अब दीजिए मुझे इजाजत, जल्द ही फिर अगले क्लास में आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।